भी रैली कोई भी आपका कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट पूछने वाला है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। सर राइट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ जी बेटे, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता देता हूँ, और देख लीजिए बेटा, रिवर्सिबिलिटी। एक मिनट बेटे, मैं नोट करूँ साथ साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिवर्सिबिलिटी, देन बेटा स्नेल्स लॉ, एंड और बेटा एनी अदर पॉइंट। सर चलिए, हाँ इमेज फॉर्मेशंस, जी, किसमें? इमेज फॉर्मेशंस सर दोनों लेंसेज की एक बार थोड़ी ओके रिवाइज ओके, रहती है। फिर वो एंड में उस पे भी आते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें बेटे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑल ऑफ यू बेटा कंसंट्रेट प्लीज, ऑल ऑफ यू नाउ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, बिगनिंग में म्यू की बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये बात आप कर चुके हो, बहुत बार कर चुकी हो। और स्नेल्स लॉ, जैसे आप कह रहे थे कि ये आपका एक बाउंड्री है, एक्स वाई बाउंड्री है, ये एयर को वाटर से सेपरेट करती है बाउंड्री, और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है इट इज प्रोपेगेटिंग इन दिस मैनर। और इसके बाद हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे बेटे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, बिकॉज आपका रे एयर से पानी में एंटर कर रहा है, रेयर टू द डेंसर मीडियम एंटर कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी ज्यादा हो जाती है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से तो बढ़नी नहीं है, मैक्सिमम यही है। तो अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो कि किस मीडियम में कम है, किसमें ज्यादा है। जिसमें कम है वो डेंसर है, जिसमें ज्यादा है वो रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे। ये आपका नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, इसको एंगल को मैं एंगल आर कह देता हूं। रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन का रीजन भी बेटे यही है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडिया जो है इसमें अलग अलग है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे वी कैन से दैट हमारा लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, या नॉर्मल से दूसरी तरफ बेंड कर जाता है, अवे बेंड कर जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं बेटा, तो आई विल बी सेइंग दैट बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आप बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, दिस इज अगेन वेल नोन टू यू। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। अब रिवर्सिबिलिटी की अगर यहीं पे बात थोड़ी सी कर लें, मान लीजिए ये आपका मीडियम नंबर वन है, ये मीडियम नंबर टू है, आपने आपने मीडियम नंबर टू में से पास कर रही जो रे है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक प्लेन मिरर प्लेस किया, जो रे आ रही है रिफ्लेक्शन से पहले, ये जो इंसिडेंट रे है इसके लिए ओ पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लगा लें, वी विल से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इनकमिंग के लिए, इट विल बी इक्वल टू बेटा साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, डियर चिल्ड्रन। और अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल इंसिडेंस हो गया लाइट का। नॉर्मल इंसिडेंस का मीनिंग है इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, ये रे अपना पाथ रिट्रेस करके वापस चला जाएगा, और जो रे वापस जा रहा है
इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एंगल आई बन जाएगा। उस केस में आप जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रादर कहना चाहिए मुझे, जो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस के बाद आ रही है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई को बच्चों क्या लिखूं अब मैं, आर। बहुत बढ़िया। एंड साइन आर को क्या लिखूंगी, आई। बहुत अच्छी बात है। तो इनको दोनों को उत्तर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वन मल्टीप्लाई इट बाई टू। तो डियर चिल्ड्रन देखिए, आपके पास बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया, आई से आई, आर से आर आपका कैंसल आउट हो गया। एंड वी आर गेटिंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज रेसिप्रोकल ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। सो इन दिस वे आप रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बहुत ही जरूरी बात आपसे एक और करनी चाहूंगा बेटा, हमने पहले आई थिंक नहीं की है, दैट इज बेटे योर केस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको भी मैं न्यू से रिलेट करके बताने जा रहा हूँ, जरा ब्रीफली बेटे सुन लीजिएगा। सो लेट मी टेल दिस टू दिस साइड बेटा, और लेट अस से बेटा द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, इसको आप एंगल सी बोलोगे, एंड द फिनोमिना वी आर गोइंग टू स्टडी इज योर बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। सो दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिलेबस चेक कर लेना, आई डोंट थिंक कि सिलेबस में है ये आपके, है ना बेटा, बट फिर भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब हम इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचे हुए हैं, दैट्स वाई आई एम ऑप्टिंग टू डिवोट फ्यू मिनट्स अपॉन दिस आल्सो, बिकॉज मे बी कि आपके सिलेबस में अभी प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन जब आप कल बड़े हो जाएंगे तो आपको किसी ने नहीं कहना कि तब था कि नहीं था, पेपर कैसे हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो तो कहेंगे ये काम है जी करके दिखा दीजिए, यू आर सिलेक्टेड, नहीं करोगे तो ठीक है जी अपना काम करिए, हम अपना करते हैं, इट विल बी समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर, राइट बेटा। सो प्लीज बेटे कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, आपके पास ये एक अगेन बाउंड्री है, ये बाउंड्री बच्चों पानी को और एयर को सेपरेट कर रही है, मान लीजिए W फॉर वाटर, A फॉर एयर। एंड हमने क्या किया, पानी के अंदर आपने कभी देखा होगा कि पानी के अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट, कई बार वो LED वगैरह लगा होता है, या ये ग्लास मान लो, ग्लास के अंदर तो लग ही सकता है, अगर आपको लगे कि जी लाइट कैसे जलेगी पानी में, ऐसी बात नहीं है, तो इसको इंसुलेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर मटीरियल के साथ, इससे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है बच्चों, ये जो नॉर्मली जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इट विल गो लाइक दिस बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो नॉर्मल का केस बन जाएगा, रे ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप मान लीजिए एक रे इधर जा रहा है, बिकॉज यहाँ से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलने वाली है ऑब्जेक्ट से, तो ये रे जब इधर जाएगा आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बहुत बढ़िया, ये अवे चला गया, ये एंगल आर बन गया। आपने यहाँ पे चलिए मान लीजिए बाउंड्री है, और यहाँ पे चलो ऐसे पानी का रिजर्वायर सा मान लो आप, और यहाँ पे सारा ये आपका सीमेंटेड पार्ट है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, राइट, आपको काफी अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट, ये देखिए आपकी आईज में जा रही है ये रे ऑफ लाइट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, आपको लगेगा कि ये रे आ रही है यहाँ से, समझ रहे हो ना बात, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डेप्थ ऑब्जेक्ट की इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपको लग रहा है कि इतनी डेप्थ ही है, आप कहते हैं इसको तो मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा हाथ से ही, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से आपने देखा होगा कि स्पेशली समर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फार ऑफ एरियाज में, जहाँ पे रिवर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क ऑफ कैनल्स है, वहां पे कई बार लोग
जस्ट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट और हॉट वेदर उस पर्टिकुलर पानी में कूद जाते हैं कि थोड़ी देर कूल की फीलिंग जो है वो आ जाए. उनको लगता है कि ये डीप नहीं है लेकिन डीप बहुत होता है. राइट बेटा, इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आप एट द बैंक ऑफ द रिवर, एट द बैंक ऑफ द कैनल और रिजर्वायर खड़े हो, तो आपको जितनी असल में डेप्थ है उतनी दिखती नहीं है, आपको बड़ी कम डेप्थ जो है वो दिखती है. और उससे हमें कई बार इल्यूजन हो जाता है कि ये तो कम ही डीप है. और आपको क्वेश्चन भी पहले पूछा करते थे सीबीएसई वाले कि एक्सप्लेन व्हाई ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स शैलो, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज ड्यू टू बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस बात पे आ रहा हूं अब मैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा. मुझे ये एक बार फिर से बाउंड्री हटानी पड़ेगी. आप नहीं है यहाँ पे खड़े, कोई रे नहीं जा रहा, कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा, इट्स ए सच, राइट जी. अब यहां से देखिए एक और रे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है, ये चला गया. अच्छा ये बताइए देख के मुझे, ये वाले रे और ये वाले रे, इनमें फर्क क्या है? कोई फर्क है कि सेम ही है? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या फर्क है? एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो गया, बड़ा हो गया. यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया बिकॉज आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो. बात वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्यान से सुनिएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सर्फिस चला जाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर से ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल जो है इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना बच्चों? 90 डिग्री. तो थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल पार्ट की तरफ जा रहा हूं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखूंगा मैं, है ना बेटा? दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई को मैंने सी लिखा, लिखा ना पुत्र, एंड साइन ऑफ एंगल आर 90 लिखा, है ना बेटा? 90 साइन 90 वन नहीं होता है. अच्छा ये देखो बेटे, इसको देखिएगा जरा ध्यान से. अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट किया है, वो हमें कहता है कि हम इसको 1/वाटर एयर लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी, या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इसको 1/sin ऑफ द क्रिटिकल एंगल लिख सकते हो. ठीक है जी, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है पानी का. ठीक है जी, तो एक ये चीज आ गई आपके पास, ये रिलेशनशिप बना था पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एक ये बना, एक ये भी बन गया. देखिए कितनी अच्छी आपको एक्सप्रेशन मिल रही है, राइट. एक मिनट और लूंगा आपका इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड. बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका ये रे ऑफ लाइट जरा व्यू करिएगा, ये वाला जो जा रहा है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, राइट. जितना ये एंगल है उसी एंगल पर ये रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, और इसको बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है, दो कंडीशंस हैं इसके लिए, एक तो आपका मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है वो डेंसर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेंसर मीडियम, और दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन पुत्र जी क्रिटिकल एंगल. तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगा. आप लोगों ने सुना होगा, शायद देखा भी होगा, डायमंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस जो है वो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है. डायमंड के फेसेस को कुछ ऐसे कट किया जाता है कि वंस ए रे ऑफ लाइट इफ एंटर्स इन दैट पर्टिकुलर डायमंड और दैट पीस ऑफ डायमंड रादर, तो उसका उसके अंदर ही मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और वो हमें बड़ा चमकदार लगता है, और इसीलिए शायद इसकी प्राइस भी ज्यादा है, राइट बेटे?
सो ये बात मैं सर अभी करता था। हाँ जी बेटा, सर जो आपने वो मिडल वाली रे बनाई है जिसमें आपने क्रिटिकल एंगल भी बनाया है, वो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री की इक्वल है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के या तो एटलीस्ट बराबर है या उससे ज्यादा हो गया, राइट? ओके सर। सो पुत्र, ये कंसेप्ट था। नो डाउट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस इन द प्रेजेंट सिचुएशन, बट जब आप कल कॉम्पिटिशन के लिए बैठोगे तो वहां पर ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं, वहां पे कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस ना कट है ना एडेड है, वो जहां से मर्जी पूछेंगे, तो यू आर टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 1 मिनट और लगाऊंगा इसी, ये जो आपको दिया गया है सारे का सारा सेटअप बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपका सी अपॉन बी था। 9th स्टैंडर्ड में आपने साउंड वेव्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना बेटा, उसमें अगर आप पढ़ते तो आपको बड़े जोर शोर से करवाना था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो चलो है ही है। सी आपका न्यू इंटू लेमडा के बराबर, बी आपका न्यू इंटू लेमडा डैश के बराबर। अब लेमडा पता है कि नहीं, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड। याद रखिएगा, हिंट लिख सकते हो आप, स्पीड ऑफ ए वेव दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। 9th स्टैंडर्ड है, फिर बाद में कभी बात करेंगे, टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे डिटेल में बात, प्रेजेंटली तो नहीं कर सकते हैं। स्पीड ऑफ ए वेव इन ए मीडियम दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव मल्टीप्लाइड बाई द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। अब देखो स्पीड बदल गई है जब वो पानी में चली गई रे, या वेव स्पीड बदली ना पुत्र, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, उससे वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सी एंड बी एज लेमडा एंड लेमडा डैश। लेमडा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज इन वॉटर यू कैन सी। तो बच्चों क्या मैं इसको न्यू इंटू लेमडा डैश लिख सकता हूं? ये आपका कट जाएगा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेमडा अपॉन लेमडा डैश भी आ जाएगा। ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बन गया म्यू के लिए इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब मैं और कुछ नहीं करने वाला, इन सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठा कर रहा हूं, इट विल बी ए लॉट ऑफ हेल्प इन द एंड। सी अपॉन बी साइन आई अपॉन साइन आर, 1 अपॉन साइन सी भी होता है ये, एंड लेमडा अपॉन लेमडा डैश भी होता है। ये आपका मास्टर फार्मूला है, एक नंबर के कई सवालों का जवाब आपको दे जाएगा ये। वो कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम में ज्यादा है या कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिलेट करके बताइए। यहाँ से आप रिलेशन डायरेक्टली उठा लोगे, ठीक है जी? अगर किसी मीडियम में स्पीड कम है एंगल आर छोटा होगा, और अगर स्पीड ज्यादा है एंगल आर बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट डिपेंडेंस है, ठीक है जी? और ऐसे ही आपको वेवलेंथ की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से बेटे इसका जो फॉर्मूला है इसका यूज करना आ जाना चाहिए। एक छोटी सी बात और करूंगा आपसे, रिवीजन टेस्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन डाला था कि एक मिरर है, इसको पानी में डिप किया गया है, आप इसकी एयर में और पानी में वेवलेंथ का डिफरेंस लिखिए। काफी बच्चों ने लिख भी दिया था डिफरेंस, बट आएगा नहीं कोई भी, बिकॉज मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पे आप लेंसेज की जब बात करते हो, लेंसेज की आपकी जो फोकल लेंथ है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम आपका बदल जाता है तो फोकल लेंथ लेंस की बच्चों बदल जाएगी, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। आई थिंक शायद इस क्लास में या दूसरी क्लास में हमने एक दिन बात की भी थी,
हम निकाल रहे थे ना लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। सो याद, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद है, बहुत खुशी वाली बात है। आपके पास एक लेंस है कन्वेक्स या कनकेव, आपने एयर में उसको पकड़ा हुआ है, इस प्रेजेंटली हम एयर में ही है। उसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली 20 सेंटीमीटर इन मैग्नीट्यूड है। आपने क्या किया, फिर उसके बाद वही लेंस को पकड़कर पानी के एक बहुत बड़े रेजरवायर में डिप कर दिया, पकड़कर अपने हाथ से पानी में ले गए, तो उस लेंस की फोकल लेंथ बेटा नियरली, एग्जैक्टली नहीं कह रहा, हमने उस दिन प्रूव भी किया था, 4 टाइम्स हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर के करीब करीब उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखिए हमेशा मिरर के केस में जब आपका मीडियम बदल जाता है, देर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लेकिन जब आप अपने लेंस को ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रखोगे, देर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंस मेकर्स फार्मूला। शायद दूसरी क्लास में नहीं किया था, लेंस मेकर्स फार्मूला बेटे हमारा होता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ-1, 1 अपॉन r1, -1 अपॉन r2, और 1 अपॉन f आप जानते हैं पावर के बराबर भी होता है, और 1 अपॉन f आप ये भी जानते हो 1 बाई v-1 बाई u भी तो होता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि जो 1 अपॉन f है μ-1, 1 बाई r1, -1 बाई r2 है, दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। ये बात मैंने एडिशनल ऐड कर दी है साथ में कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। ये आप जो म्यू देख रहे हो, असल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ग्लास का बना होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो जब आप इस लेंस को पानी में डिप कर दोगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर हट जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा, उसकी वजह से फोकल लेंथ बदल जाती है। राइट, R1 R2 के बारे में पता है सबको, कम आवाज आई है, थोड़ी ढीली आवाज आ रही है, चलिए मैं ही बोल देता हूँ। ये आपके पास लेंस है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और ये देखिएगा ये स्फीयर बन गया एक, ये इधर से एक स्फीयर बन गया, ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस R1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस R2, स्फीयर नंबर 1 का रेडियस R1, 2 का रेडियस R2, दोनों सरफेसेस ऑफ कर्वेचर जो है ये आपको R1 और R2 के बारे में इंडिकेट कर देती हैं। अब आप जो पूछना है पूछ लीजिए, जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। यस बेटा, स्पेस के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है? स्पेस के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बैठिए, जैसे जैसे बेटे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम बेटे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो एयर का कंसंट्रेशन इन जनरल कम होता जाता है। एयर आपका, इट कंटेन्स वाटर वेपर्स, इट कंटेन्स डिफरेंट गैसेस, उनका मिक्सचर है ये। परसेंटेज आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि कितने कितने परसेंट है, शायद आपको याद ही होगा। आई मीन टू से दैट कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो, ऊपर जाते 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 एक तो पानी के वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर, उनका कंसेंट्रेशन बदलता है। सेकेंडली, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से एयर का अपना डेंसिटी भी कम होता जाता है। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, आपका म्यू बदलता जाता है जब आप स्पेस में चले जाते हैं, और जैसे जैसे म्यू में चेंजेस आएंगी वैसे वैसे लाइट अपना पाथ बदलती जाएगी, वैसे वैसे रिफ्रैक्शन होती जाएगी, और वैसे वैसे आपका ये सारा फिनोमिना होता जाएगा। और इसी वजह से आपका सन सनसेट से 2 मिनट पहले ही, सॉरी 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहता है, और सन सनराइज से 2 मिनट पहले दिखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम एक पेंसिल को पानी के ग्लास में डिप कर दें और आप साइड से देखो तो आपको वो टूटी हुई लगती है, ब्रोकन लगती है। नाइट स्काई में अगर आप स्टार्स को देखो तो आपको वो ट्विंकलिंग करते लगते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम कॉज
continuous change in the refractive index of the medium on account of the pressure difference of the air in the atmosphere of the earth. डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जब प्रेशर डिफरेंस होगा, एयर की मूवमेंट होगी और म्यू बदलता जाएगा, लगातार बदलता जाएगा, और आपको स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे, अपीयर होंगे बेटा, राइट बेटा। और अब आपने बात की है, एक और सुनिए ध्यान से, पर्टिकुलरली डेजर्ट एरियाज में कई एनिमल्स जो हैं दे लूज देयर लाइफ इन सर्च ऑफ वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉल्ड ऑप्टिकल मिराज। ऑप्टिकल मिराज क्या है कि कोई भी एनिमल है या इवन ह्यूमन बींग्स हैं, उनको लगता है कि वो थोड़ी आगे जाकर एक पानी का पूल है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ नहीं होता, फिर वहाँ लगता है नहीं थोड़ा और आगे है। इसी तरीके से इन सर्च ऑफ वाटर एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट एरिया में जब इंटेंस हीट वेव में भागेंगे तो दे समटाइम्स लूज देयर लाइफ। सो आपने ये माइल्ड फॉर्म में इधर अपने प्लेन एरियाज में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी के टाइम पे जीटी रोड पे बाई कार और बस जाते हैं, आपको थोड़ा, अगर आप फ्रंट पे कभी बैठे हो तो आपको लगता है कि थोड़ा आगे पानी सा है रोड पे, लेकिन जब आपका व्हीकल वहाँ पहुँचता है कुछ भी नहीं होता, और फिर आपको लगता है नहीं थोड़ा आगे है। तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन जिसकी वजह से हमें लगता है कि देर इज़ ए पूल ऑफ वाटर अहेड ऑफ अस, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, इस पर्टिकुलर रादर सेटअप को हम बेटे ऑप्टिकल मिराज कहते हैं। और ये गर्मियों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सर्दियों में, विंटर सीजन में जो आपके कोस्टल रीजन्स हैं, एंटार्कटिका के पास पास वाले रीजन जो हैं, वहाँ पे ड्यू टू द टू मच अकमुलेशन ऑफ द आइस नियर द योर बैंक ऑफ द रिवर्स और द सी, कई बार आपको बेटे जो शिप हैं वो स्काई में उल्टे भी दिखते हैं। तो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, दैट इज आल्सो ऑप्टिकल मिराज, दैट इज रादर इंपीरियर और स्पीयर, दो तरीके से हम इनको बोल देते हैं। तो ये बात फिर बाद में कभी जरूर करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा, राइट बेटा। Any other point you want to share, you want to inform, you want to share your sir, ideas, if any, beta? Sir, जो space में, जो space में vacuum है, वो rarer medium है कि denser medium है? नहीं नहीं बेटे, मैं vacuum की बात नहीं कर रहा हूँ, space में तो vacuum ही है, vacuum का मतलब है no medium at all, और जब आप no medium की बात करोगे तो उस केस में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे मीडियम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और लाइट जो है, ऑब्वियसली हमारे माइंड में क्वेश्चन भी आता है फिर कि मीडियम तो है नहीं जी, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर मीडियम नहीं भी होगा तो भी ये ट्रेवल कर जाएगी, और लाइट सन से अर्थ तक जब पहुँचती है, अर्थ के एटमोसफियर से बाहर कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर ये एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम ट्रेवल करके अर्थ में आती है। और थोड़ा सा देख लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट के लिए देख लीजिएगा बेटा, इट विल हेल्प ए लॉट इन द एंड। ये मान लीजिए आपका अपना अर्थ है, राइट बेटा, और अर्थ का एटमोसफियर रफली मान लीजिए यहाँ तक एक्सटेंडेड है, रफली कह रहा हूँ मैं, तो ऐसे कोई एंड नहीं है, डेंसिटी कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती ही जाती है, जिधर प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया अकॉर्डिंगली, जिधर जी की वैल्यू वेरी कर गई अकॉर्डिंगली, और कई बार और फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये बड़ी दूर कहीं सन है, इसीलिए छोटा सा आपको लग रहा है, अर्थ बड़ी लग रही होगी बिकॉज हम अर्थ पे हैं। यहाँ से ये स्पेस है, स्पेस में लाइट आ रही है, सीधी आ रही आ रही आ रही आ रही, आने दीजिए। वंस इट एंटर्स द मीडियम, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएंगे म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसके पाथ में लगातार चेंज आता जाता है, आता जाता है, आता ही जाता है। यहाँ पे आप अभी अभी उठे हैं, आपको लगा कि सुबह हो गई है जी, और
आपको लगेगा कि नहीं भाई सुबह तो क्या होनी, दोपहर ही हो गई है, सन तो यहाँ पहुंच गया है। सो दिस इज द ट्रू पोजिशन और द एक्चुअल पोजिशन, दिस इज द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन। दैट्स वाई अगर हम ऐसे मान लें, ऐसे इनके लिए सुबह तब होगी जब सन यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो ये 2 मिनट ऑलरेडी आपका पहले या बाद में वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। एंड सेम इज द केस विद द स्टार्स आल्सो। आप नाइट टाइम में घर की छत पे हो, आप इस स्टार को देख रहे थे, आपको लग रहा है ये यहाँ पे है, और रास्ते में ध्यान दीजिएगा गुड़िया, ये एयर में लगातार डिस्टरबेंस हो रही है, प्रेशर डिफरेंस है, टेम्परेचर भी है, एयर कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, न्यू लगातार बदल रहा है, आपका स्टार आपको ऐसे ऐसे करता लगेगा। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, राइट बेटा? और बोलिए उत्तर। एक मिनट, स्पेस में भूमिका बोलो बेटा। ही तो है, ये तो स्ट्रेट आ रही है। सर जैसे आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब करवाया आपने, तो उसी तरह सेम केस प्रिज्म में भी होगा? प्रिज्म में भी होता है, बट प्रिज्म के फेसेस बेटे 5 होते हैं और प्रिज्म में थोड़ा अलग है, वो प्रेजेंटली आपके सिलेबस में ना होने की वजह से मैं उधर गया ही नहीं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी पुत्र जी, स्पेस में एयर है ही नहीं, मीडियम ही नहीं है, खाली है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैठिए जरा बेटा, ध्यान दीजिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे इस बच्चे ने पूछा है तो उसने जिद की है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल वर्ड जो है वो नहीं मुझे ठीक लग रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेटे 2 लाइंस बोल रहा हूँ। जब आप स्पेस से आगे चले जाते हैं, 400 किलोमीटर के आसपास एक इलेक्ट्रॉन्स की बेल्ट आती है, एक 250 किलोमीटर के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स की बेल्ट आती हैवीली चार्ज पार्टिकल्स। आप अर्थ की सर्फिस से हैं और जब आप ऊपर जाते जाओगे करीब करीब 250 किलोमीटर की हाइट पर और एक 110 किलोमीटर की हाइट पर, ये लेयर तो आगे 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, काफी मोटा लेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। एक मिनट वेट कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का लेयर जो है बेटा, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत इसके पास में चेंज नोटिस किया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द आइनोस्फीयर बेटा। तो लेकिन मैं इसको, जैसे आप रिफ्रैक्शन का बिल्कुल कह रहे थे, मैं इसको रिफ्रैक्शन एज सच नहीं कहूंगा, इट मे बी सम अदर फिनोमिना आल्सो बेटा, राइट बेटे? सो थैंक यू ऑल बेटे, डियर चिल्ड्रन। बोलिए बेटा।